कुमार चौहान प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बी बी डी एन आई टी एम आप सभी का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स में स्वागत करता हूँ आज हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में आज हम लगभग तीस मिनट में सबसे पहले क्लासिफिकेशन समझेंगे कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं देन बी एच करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफॉर्मर की मैग्नेटिक मटीरियल्स कौन सा यूज होता है देन आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को हम समझेंगे दोनों में क्या मूल अंतर है उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन किस प्रिंसिपल पे किस सिद्धांत पे ट्रांसफॉर्मर काम करता है और उसके बाद हम इक्विवेलेंट सर्किट को भी समझेंगे कि अगर इलेक्ट्रिकली उसको रिप्रेजेंट करना है तो सर्किट ट्रांसफॉर्मर का कैसा होगा उसके बाद हम वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी किसी भी ट्रांसफॉर्मर की कैसे, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके तरीक़ों को भी जानेंगे अंततः हम कुछ न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मर से संबंधित हल करेंगे

लगाया जा रहा है जैसे कि इंडोर आउटडोर स्टेशन पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दो बहुत ही प्रसिद्ध ट्रांसफार्मर हैं दिस इज़ ए कोर ट्रांसफार्मर ओके एंड दिस इज़ ए शेल टाइप ट्रांसफार्मर इन कोर यू कैन सी देर इज ए कोर ओके देर इज़ ए प्राइमरी वाइंडिंग हीयर ओके देन सप्लाई साइड इज़ हियर सो बेसिकली एज यू कैन वॉच हीयर द टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स

विच इज़ हाईली परमेबल जो उसकी म्यू है उसका वैल्यू सिग्निफिकेंट हायर होता है और अगर हम बी एच कर्व की बात करें तो बी एच कर्व में हमको ये समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मर में बी एच कर्व में हम लीनियर ऑपरेशन पे ऑपरेट करते हैं क्योंकि अगर आप बी एच कर्व को ड्रॉ करें बी क्या है बी जो है फ्लक्स डेंसिटी है एच क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो बी और एच में बी का जो कर्व आता है इनिशियली लीनियर होता है देर आफ्टर इज गो गोज इन टू द सेचुरेशन तो वी ट्राई टू ऑपरेट मोस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर इन दिस लीनियर रीजन बिकॉज हियर द चेंज इज़ रिफ्लेक्टेड प्रपोशनली एंड दिस इज दैचुरेशन रीजन तो वी अवॉइड दिस अंटर ऑनलैस वी वॉन्ट कॉन्स्टेंट वोल्टेज एट द सेकेंड्री साइड अगर हमको सेकेंड्री साइड पर कॉन्स्टेंट वोल्टेज चाहिए तभी उसी केस में हम जो सेचुरेशन मोड में जाते हैं तो वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है अदरवाइज मोस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर वर्क इन दिस लीनियर रीजन नो Uh, अगर आप ये देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैं तो वन इज़ फॉर रजिस्टिव लोड अन इज दिस इज़ यू कैन सी इफ यू सी दिस तो इससे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है क्योंकि कुछ लॉसेस रहते हैं और ये आपका कोर uh, लॉसेस के रेफरेंस में कंपोनेंट है यहाँ ई वन ई टू जो है वोल्टेज रेशियो है यहाँ अगर आप देखेंगे तो देर इज़ एन एंगल हीयर यू कैन सी बिकॉज ऑफ़ दैट मैग्नेटाइजिंग कम्पोनेंट ऑफ द करेंट एंड हीयर इफ़ यू सी दिस इज़ विद द रजिस्टिव लोड एंड दिस इज़ विद रेस्पेक्ट टू द यू नो इंडक्टिव लोड सो हीयर यू सी देर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन द ई एंड आई टू तो दिस इज़ द फेजर डायग्राम इसमें आप देखेंगे कि ईवन ई टूज हम क्योंकि वोल्टेज को रिफ़र करते हैं तो इसलिए रिफ़र करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं ये टर्न रेशियो है ईवन अपऑन ई टू और यहाँ जो एंगल दिया हुआ है ये नो लोड करेंट के रेफरेंस में है ओके okay? So, these are different characteristics from the point of view of uh, you know phasor diagram. Principle of operation, principle of operation of the transformer as you can see here, if we apply an input supply to the transformer which is an alternating current supply, then obviously based on this current an mmf is produ produced, ni, ni is the mmf, and since

तो ये समझना होगा कि ट्रांसफार्मर एक स्टेटिक मशीन है इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी हाई होती है अनलाइक रोटेटिंग मशीन्स क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स आ, या चलायमान भाग नहीं होते हैं तो इसकी दक्षता या जिसको हम एफिशिएंसी कहते हैं इट इज़ यूजुअली रीजनेबली हाई एंड अगर इसको देखें तो इसमें लॉसेस जो हैं वो बेसिकली दो तरीके के मूल रूप से होते हैं जिसको आप आ, कोर लॉसेस कहते हैं और कॉपर लॉसेस कहते हैं तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर है और जो आप इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं वो लैंजेज लॉ से जो आप यहाँ देख रहे हैं कि इज प्रपोर्शनल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी तो नेगेटिव साइन इज बिकॉज इट अपोजेज द चेंज ऑफ इट अपोज द कॉज बिकॉज ऑफ विच इट इज चेंजिंग तो दैट इज वाई एज पर द लैंज लॉ द इंड्यूज डी एम एफ इंड्यूज डी एम एफ बिकम्स माइनस एन डी फाई बाई डी टी ओके सो ई एम एफ इक्वेशन ई एम एफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इफ यू सी दिस इज द टर्न रेशियो ओके सो ई टू इज अपॉन ई वन इज इक्वल टू इट इज प्रपोर्शनल टू द टर्न रेशियो सो एन टू अपॉन एन वन एन इज ऑल्सो इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन अगर हम ड्रॉप को अप्रोक्सीमेटली निगलेक्ट कर दें इट इज ऑल्सो इक्वल टू आई वन अपॉन आई टू सो इट इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू दैट जो वोल्टेज रेशियो है वो करेंट रेशियो के इनवर्स प्रपोर्शनल होता है एंड वी सी द आर एम एस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ई एम एफ As per the EMF equation, then it is equal to even equal to 4.44. This is the main EMF equations 4.44 F. This is frequency and this is the flux density, maximum flux density, and 1 is the number of turns. So, on the primary side, the voltage is E1, which is proportional to N1, and on the secondary side, voltage is E2, which is proportional to N2. ok. This is the equivalent circuit. You can see this is the primary side, this is the प्राइमरी ओके एंड दिस इज द सेकेंडरी ओके सो दिस इज प्राइमरी रेजिस्टेंस दिस इज प्राइमरी इंडक्टेंस एंड दिस इज द श ब्रांच मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ब्रांच जो जो आई नॉट है जिसको मैग्नेटाइजिंग करेंट कहते हैं इट इज एट नो लोड ऑल्सो यू विल गेट दिस मैग्नीट्यूड एंड वैन लोड इज देयर दिस आई टू इनक्रीज सिग्निफिकेंटली हाई आई टू डैश अदरवाइज दिस वैन देर इज नो लोड हियर देन आई टू इज वेरी स्मॉल Uh, but as soon as load is there, then I2 increases to I2 dash, which is significantly higher. So basically, this no load current is only 3 percent to 5 percent, and rest is dependent on the load. Uh, this is secondary, this is secondary resistance, this is secondary uh, inductance, and these E1, E2 are the primary voltage and you know, secondary voltage depending upon the turn ratio and V 1 is the applied input voltage and V 2 is the voltage across the load. We can refer you know primary to secondary or secondary to primary based on the uh, turn ratio. So, uh, you know proportionality is square these uh, formulas are uh, easily you know you can see uh, we will talk in uh, you know uh, in numericals. Beside that voltage regulation is also one of the important parameter in transformer वोल्टेज रेगुलेशन क्या है वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली हमको आइडिया देता है ये अंदाजा देता है कि अगर हमारा सिस्टम नो लोड टू फुल लोड पे जा रहा है तो उसकी सेकेंडरी पे वोल्टेज वेरिएशन क्या होगा ओके विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंडरी वोल्टेज एट नो लोड तो जो उसका रेशियो है उसको हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं मीन हाउ मच द वोल्टेज इज वेरिंग फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एट द सेकेंडरी हाउ मच इज द वेरिएशन So, if that variation is small, then you call you say that uh, voltage regulation is a small, and if it is high, there is a lot of uh, variation, then you say the voltage regulation is more, which is poor. So, lesser the number, uh, better the voltage regulation is. And of course, in terms of uh, you know percentage, you multiply it with 100, otherwise, it is simply ratio. Here, negative sign as you can see here is minus and plus sign are given. Negative sign is taken for the leading power factor, if the power factor is given leading. And positive sign is taken for lagging power factor okay. And I 2 and I 1 you, you can see I 2 I 2 are the given secondary current and you know X E 2 and R E 2 these are the resistance referred to the secondary means secondary resistance is also there and with sum of primary resistance referred to secondary also. So, it is a sum of both the resistances being referred to the secondary. Similarly, it is the inductance referred to the primary both the means primary as well as secondary both of them referred to the secondary itself. अब हम दक्षता को समझेंगे एफिशिएंसी को ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी जैसा कि हम समझते हैं कि किसी भी सिस्टम के लिए एफिशिएंसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होती है तो उसमें इनपुट पावर क्या है या इनपुट पावर इज़ आउटपुट पावर प्लस लॉसेस एंड दिस आउटपुट पावर और ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट पावर क्या है दैट इज़ वी टू आई टू कॉस थीटा टू Okay. So, where V2 is a secondary voltage, I2 is a secondary current, and theta 2 obviously is depending on power factor. And losses are iron losses and copper losses, these are load losses and these are magnetic losses. In, in iron losses, you have stresses losses and eddy current losses, which we found with the help of OC test, okay. and this we found with the SC test. Okay. These are a standard test. Uh, so, the efficiency of transformer at a load is uh, you know x times full uh, load will be like if this is the final formula for efficiency and you can see this formula very keenly this is the load factor x is the load factor which is i upon i actual upon i full load okay this is a very important factor and this is v2 is secondary you know voltage and current respectively theta2 is dependent on the power factor and this output is again written here along with the losses P I N X x square pc so x is, is, is square is again square of the load factor pc is

आ जाएंगी तो उसमें जो डेटा दिया हुआ है ट्वेंटी के का एक ट्रांसफॉमर दिया हुआ है जिसकी सिक्सटी हर्ट्स फ्रीकुनसी है जो आपको मालूम होगा कि इंडिया में फिफ्टी हर्ट्स है कई कंट्रीज ऐसे भी हैं कनाडा यूएसए वगैरह जहाँ 60 हर्ट्स होता है तो न्यूमेरिकल में यहाँ सिक्सटी हर्ट्स दिया हुआ है 2400 प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का एंड 240 फोर्टी इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज इट्स ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विच इज टेस्टेड एट 60 हर्ट्स द डिफरेंट टेस्ट ओ टेस्ट एंड एस टेस्ट आर गिवन ओके एट सिक्सटी हर्ड फ्रीकुनसी जो पावर फैक्टर दिया हुआ है दैट इज़ जीरो पॉइंट एट कैलकुलेट द एफिशंसी एट फुल लोड एंड द रेटेड टर्मिनल वोल्टेज एट जीरो पॉइंट एट पावर फैक्टर बिसाइड दैट यू इसमें जो एजम्पन दिया होगा लोड फैक्टर इज़ वेरिड वेल द लोड करेंट एंड द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज आर होल्ड कॉन्स्टेंट सो फाइंड एफिशियंसी एंड मैक्सिमम लोड पावर फैक्टर फॉर विच रेगुलेशन इज ग्रेटेस्ट तो पहले सबसे पहले क्या करना है हमको इफिशियंसी मालूम करनी है फिर हमको ये भी मालूम करना है कि किस पावर फैक्टर पे हमारा वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होगा और साथ में हमको वोल्टेज रेगुलेशन भी मालूम करना है कि एक्चुअली कितना आ रहा है और रेटेड करेंट एच वी साइड पर कितना है तो ऑलमोस्ट ऑल मेजर पैरामीटर्स आर बींग कैलकुलेटेड इन दिस विल बी कैलकुलेटेड इन दिस न्यूमेरिकल सो यू सी द रेटेड करंट ऑन एच साइड क्या होगा तो यू कैन सी ट्वेंटी के की पावर रेटिंग दी हुई थी तो अगर पावर रेटिंग को आप uh, जो के में दी हुई है उसको आप वोल्टेज रेटिंग से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट ओके सो ऑन एच साइड बिकॉज प्राइमरी साइड इज़ हाई वोल्टेज साइड तो करंट विल बी इक्वल टू एट पॉइंट थ्री थ्री एम पीयर द टोटल पावर लॉस एट फुल लोड करंट विल बी इक्वल टू यू कैन सी पावर लॉसेज सभी को आपको कैलकुलेट करना है टोटल पावर लॉस तो यू कैन सी वन कैन सी दिस वन ट्वेंटी टू दिस इज़ ओ सी ओके ये इससे कौन से लॉसेस निकल के आते हैं आयरन लॉसेस और इससे कौन से लॉसेस निकल के आते हैं कॉपर लॉसेस दिस यू कॉपर लॉसेस, तो 257 आपके कॉपर लॉसेस दिए हुए हैं ओके एंड 122 ट्वेंटी टू इज़ आयरन लॉसेज विच आर गिवन, नाउ यू कैन सी हियर सो दिस वन ट्वेंटी टू एंड थ्री जो टोटल uh, तो फुल क्योंकि फुल लोड के रेफरेंस में आपको इवेलुएट करना है तो हमने कहा था लोड फैक्टर का आपको आपको ध्यान रखना होगा तो 379 सेवेंटी नाइन इज़ एडिशनल पार्ट एंड देन इनपुट पावर हाउ मच इज़ इनपुट पावर सिक्सटीन इंटू पॉइंट थ्री सेवन नाइन ओके एंड सो एफिशेंसी विल बी हाउ मच 16 डिवाइडेड बाई okay? so 16, 16 ये तो टोटल आपकी इनपुट पावर हो जाएगी uh, uh, और ये आउटपुट पावर हो जाएगी दिस इज़ इनपुट पावर प्लस लॉसेज और इसको अगर आउटपुट पावर को इनपुट पावर से डिवाइड कर देंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यू विल गेट दिस वैल्यू 97.7 तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया हमने आउटपुट पावर को इनपुट पावर से मीन्स आउटपुट पावर जो है वो इनपुट पावर से डिवाइड कर दी और उसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके लिए अपने लॉसेस को डिनोमिनेटर में आउटपुट पावर के साथ ऐड कर दिया बिसाइड दैट इक्वलेंट इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर आपको एवेलुएट करना है तो इक्वलेंट इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे एवेलुएट करते हैं जेड तो इसमें आर इक्वलेंट एट हाई वोल्टेज साइड एंड एक्स इक्वलेंट एट हाई वोल्टेज साइड आर इक्वलेंट कैसे निकालेंगे जो हमारी शॉर्ट सर्किट की रीडिंग आई है पी उसको आई स्क्वायर एस सी से डिवाइड कर देंगे तो आई स्क्वायर एस सी हमको मालूम ही है आई एस सी स्क्वायर दिस इज़ लाइक एट पॉइंट थ्री थ्री तो इसका स्क्वायर लेंगे एंड टी टू फिफ्टी सेवन आपका ये दिया हुआ तो दिस इज स्क्वायर सो यू विल गेट थ्री पॉइंट सेवन सो आई एस का स्क्वायर ले लेंगे देन इसी तरीके से जेड इक्वलेंट ऑन हाई साइड को इस तरीके से भी वैल्यूट कर वी एस सी अपॉन आई एस सी तो यहाँ पे वी एस सी दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट टेस्ट से अगर आप वोल्टेज देखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे अगर एट पॉइंट थ्री थ्री से जो कि आई एस सी की वैल्यू है यू विल गेट दिस सेवन पॉइंट थ्री सिक्स फोर और एक्स यू क्यू कैसे निकालेंगे जेड ई क्यू जो आपने एवेलुएट किया हुआ है उसमें से यार अगर आर आई क्यू निकाल देंगे दिस इज आर आई क्यू ओके सो आर आई क्यू इज ओके एवेल्युएट करेंगे यू विल गेट लाइक दिस सो दिस इज ओके इसको माइनस कर देंगे यू विल गेट दिस सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स ओके सो दिस इज नो लेट द लोड करेंट एंड वोल्टेज रिफर टू द हाई वोल्टेज साइड आपने ये माना कि हाई वोल्टेज पे आपको टोटल रेफर करना है हाई वोल्टेज साइड कितना है 2400 वोल्ट ओके okay, तो यहां पे प्रिज्यूम कर लिया वी नॉट आई वन को हमने मान लिया कि आई थीटा के रेफरेंस में आ रहा है वी एस जो है सेकेंडरी वोल्टेज है तो इट विल बी वी आई एच प्लस ये ड्रॉप को अगर एड कर दें वी आई एच में जो वोल्टेज है तो आपका ये सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा यानी कि यही तो ड्रॉप है जो आ रहा है वाइंडिंग के टर्म्स में और दोनों ही याद रखिए सेकेंडरी की जो वाइंडिंग है वो भी प्राइमरी में रेफर कर दी गई है तो प्राइमरी का अपना प्लस सेकेंडरी का जो रिफर्ड है दोनों को सम अप करने पे जितना इंपिडेंस आता है उसमें आपने करंट को मल्टीप्लाई किया तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप आ गया और उसको वोल्टेज में एड कर दिया तो आपको सप्लाई वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा क्योंकि सप्लाई वोल्टेज यहीं पर ड्रॉप होता है बाकी जो रिमेनिंग वोल्टेज है आपको टर्मिनल पर मिल जाता है सो वी इज़ वी ओके दिस इज़ वी एंड देन जेड क्यू इसको मल्टीप्लाई कर दिया आई एच को मल्टीप्लाई कर दिया एंगल दोनों एड ऑन हो गए सो दिस इज वी आई एच दिस इज वी आई एच एंड यू गेट इट एक्वल टू वी प्लस वी डी यू नो एल्फा एंड इसको फर्दर आप इसी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे अगर इसको कहेंगे यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन दैन दिस एक्सप्रेशन एंड देन दिस क्योंकि आप जे का पार्ट यहां देख रहे हैं तो इसके मैग्नीट्यूड पे अगर आप फोकस करेंगे तो इसका स्क्वायर करना होगा आपको इसका भी स्क्वायर करना होगा देन यू विल गेट लाइक दिस इसके स्क्वायर को अगर ओपन करेंगे यू विल गेट दिस दिस टर्म टर्म एंड ओके अब क्योंकि हमको वोल्टेज रेगुलेशन में हमने क्या कहा था इट इज ए वेरिएशन ऑफ वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एट द सेकेंडरी साइड वेन यू आर चेंजिंग द लोड यानी कि आप नो लोड कंडीशन से फुल लोड कंडीशन पे जब जा रहे हैं तो सेकेंडरी में कितना वोल्टेज का वेरिएशन हो रहा है उसको आप न्यूमिनेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं जो भी आपका फुल वोल्टेज है क्योंकि क्योंकि आप देखिए कि लोड पे जो वोल्टेज है उसको आपने माइनस किया नो no लोड पे ऑटोमेटिकली ये सप्लाई वोल्टेज है तो उसी से आप डिवाइड करेंगे वी वन एच से जो टोटल वोल्टेज है रिफर टू द हायर साइड तो ये हमारा कितना आया था सप्लाई वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज वी गॉट लाइक दिस अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान दें तो ये इसको जैसे ही एक्सपेंड करेंगे यू आर गेटिंग दिस माइनस वी तो माइनस वी स्क्वायर तो ये वी स्क्वायर ये दिस इज वी स्क्वायर उिस ओपन करेंगे इवेंचुअली ये जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू वी डी तो दिस इज क्यू दिस ओके अब यहां एक क्वेश्चन ने ये भी पूछा था कि आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो मैक्सिमम कब होगा वो ऑटोमेटिकली वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम जब भी होता है जब आपका कॉस एल्फा मैक्सिमम होता है और कॉस एल्फा मैक्सिमम कब होता है कॉस एल्फा मैक्सिमम जो है वो जब होगा जब आपका एल्फा जीरो होगा क्योंकि कॉस ज़ीरो इज वन तो एल्फा मीन्स वेन इट इज़ कॉस दिस कॉस एल्फा इज वन मीनिंग दर बाई दिस शुड बी इक्वल टू जीरो सो मीन थीटा शुड बी इक्वल टू माइनस फाइव जेड तो ये एंगल रहेगा तब आपका वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होगा और ये कैसे निकलेगा एंगल हाउ विल बी फाइंड आउट इट विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस दिस इज इंडक्टेंस रिफर टू द हायर वोल्टेज साइड यानी कि सेकेंडरी का भी रिफर किया है प्लस प्राइमरी का जो ऑलरेडी था डिवाइडेड बाई द रजिस्टेंस तो ये एक्स स्क्वायर के रेफरेंस टन रेशियो के स्क्वायर के रेफरेंस में चेंजेस होते हैं ओके okay. तो जो आपके न्यूमिनेटर में आएगा वो एक्स इक्वलेंट एच आएगा और आर इक्वलेंट एच एच इज रिफर्ड टेन इनवर्स तो ये दिस एंगल विल बी माइनस फाइव जैट विलवल टू फिफ्टी नाइन मीन्स माइनस फिफ्टी नाइन पॉइंट एट वन इज दोल्टे का एंगल एट विच द वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन विल अकर ना हाउ मच इज द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन दैट विल भी इक्वल टू सेवन पॉइंट थ्री सिक्स ओके दैट इज अ करेंट वैल्यू इफ यू रिमेंबर आई एस सी एंड दिस इज एट पॉइंट थ्री थ्री सो वी डी इज जेड जेडी क्यू और आई 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 वन एच सो दिस इज आई वन एच एंड दिस इज जेड ई क्यू तो जेड इ इज सेवन पॉइंट थ्री सिक्स सो इट विल कम लाइक दिस सो न्यूमिनेटर पार्ट फॉर द रेगुलेशन विल बी वी डी सो वी डी विल बी इक्वल टू सिक्सटी वन पॉइंट थ्री वन माइंड इट हियर आपने एल्फा कितना लिया हुआ है ये एल्फा इक्वल टू जीरो पर है ये ध्यान देने वाली बात है तो so रेगुलेशन में आपने वी डी को न्यूमिनेटर में रख लिया और यहाँ पर आपने जो वोल्टेज था हाई वोल्टेज साइड का उसको आपने डोनोमिनेटर में रखा सो द वोल्टेज रेगुलेशन एज ए रेशियो विल कम पॉइंट जीरो टू सिक्स एंड एज ए परसेंटेज इट विल कम टू पॉइंट सिक्स परसेंट ओके नाउ वी डी वी डी इज वी डी इज सेवन पॉइंट थ्री सिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी एवेल्युएटेड ओके सो ट्रांसफॉर्मर में हमको ये समझना है कि ट्रांसफॉर्मर जैसा कि शब्द भी कहता है इसको अगर हम समराइज़ करें तो इट ट्रांसफॉर्म्स ये स्वरूप को बदल देता है तो वो स्वरूप क्या हो सकते हैं स्वरूप में वोल्टेज लेवल को चेंज कर सकता है तो ये वोल्टेज लेवल किसी की कॉस्ट पे चेंज होता है क्योंकि पावर तो वही है इनपुट पावर आउटपुट पावर जो तो वो करंट के पार्ट पे होता है मींस अगर आप स्टेप अप वोल्टेज की बात करें तो स्टेप अप का मतलब क्या है कि अगर वोल्टेज बढ़ा है तो करंट घट गई है और आइडियल केस में पी इनपुट शुड बी इक्वल टू पी आउटपुट ओके क्योंकि लॉसेज नेग्लेजिबल होते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर और अगर प्रैक्टिकल uh, ट्रांसफॉर्मर को समझें तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में लॉसेज होते हैं जैसा हमने पहले भी कहा कॉपर लॉसेज आयरन लॉसेस लेकिन आइडियल ट्रांसफॉर्मर में देर आर नो लॉसेज ओके इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर सो एंड द लॉसेज आर ऑफकोर्स इन कंपेरिजन टू अदर मशीन्स आर स्मॉल बट हियर यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट ओके इन आइडियल ट्रांसफार्मर और आइडियल ट्रांसफार्मर जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ हो सकता है आइसोलेशन परपज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है और यू नो ऑटो ट्रांसफार्मर भी आपने सुना है कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो आपको आउटपुट पे वोल्टेज वेरिएशन देता है मैक्सिमम वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज के लगभग बराबर होता है अमूमन और टर्न रेशियो पर भी कि आपने प्राइमरी में कितने टर्नस को सेलेक्ट किया है सेकेंडरी के सेलेक्शन के लिए इट डिपेंड्स अपॉन Uh, the secondary voltage depends upon that turn ratio. बिसाइड that, uh, single phase or three phase transformer है Three phase में uh, आप जानते ही हैं कि उसके अपने कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं uh, फायदे इतने ज़्यादा हैं कि नुकसान से आप कह सकते हैं निश्चित रूप से कि उसका efficiency optimization कि अगर हम बड़ी पावर से जब डील करते हैं तो अमूमन थ्री फेज transformer को ही प्रेफर करते हैं थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में कॉमन कोर भी हो सकती है सेपरेट कोर भी हो सकती है और कॉमन कोर भी हो सकती है तो ट्रांसफॉर्मर क्योंकि अल्टरनेटिंग करेंट में ट्रांसफॉर्मर बिकम्स एन इवेंचुअली ए वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड बिकॉज इट हेल्प्स अस टू चेंज द वोल्टेज लेवल इसके साथ साथ अंततः हमको ये भी ध्यान रखना है जो एक बहुत ही बड़ी सावधानी है कि ट्रांसफॉर्मर पे कभी भी डीसी सप्लाई अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर डीसी सप्लाई इनपुट पे दिया तो ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग विल बर्नआउट वाई बिकॉज आपको याद होगा कि यह लेंजेस पे जैसा हमने सबसे शुरू में कहा लेंजेस पे वर्क करता है तो अगर डीसी सप्लाई अप्लाई किया तो डी फाई बाई डी टी क्या है वो आपका जीरो हो जाएगा और अगर जीरो हो जाएगा तो इंड्यूस डी एमएफ भी जीरो हो जाएगा और इंड्यूस डी एम एफ अगर जीरो हो गया तो जो इनपुट सप्लाई को अपोज करता है आपका इंड्यूस डी एम एफ डिवाइडेड बाई द रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दिस विल इनपुट वोल्टेज विल बी इज यूजली वेरी वेरी हाई बिकॉज यू नो इनफैक्ट अगर हम उसकी इनपुट करेंट को बात करेंगे अगर ई e को जीरो कर देते हैं डीसी सप्लाई के, के केस में क्योंकि एम जीरो हो जाएगा तो वीक, ये रेजिस्टेंस लेस देन वन ओम होता है तो अगर वी अपॉन आर कहेंगे तो टू थर्टी अपॉन मे बी पॉइंट फाइव इट विल बी फोर सिक्सटी एम्पियर मे बी फोर हंड्रेड एम्पियर अगर आई स्क्वायर आर लॉस की बात कहेंगे तो आई स्क्वायर फोर हंड्रेड का स्क्वायर विल बी वेरी बिग सम तो मीनिंग देर बाई लॉट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड एंड वाइंडिंग विल बी बर्न आउट तो हमको ये भी ध्यान में रखना है अंतत है कि हमको डी सी सप्लाई को ट्रांसफार्मर में नहीं लगाना है और जब भी हम बड़े पावर रेटिंग की बात करेंगे जैसे अगर जनरेशन पे कहें जैसे हमने कहा लोकेशन पे उसको जनरेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं और अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मॉम ट्रांसफार्मर में देखा गया है कि उसकी इफ़िशंसी अगर हम उसकी तुलना करें आ, जो जनरेशन ट्रांसफॉर्मर है तो उसके कंपैरिजन में कम होती है क्योंकि उसके लिए हमारी ऑल डे एफिशिएंसी इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल डे एफिशिएंसी इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में लोड हमारा चेंज करता रहता है ओके okay? कभी फुल लोड होगा कभी हाफ लोड होगा कभी ओवर लोड होगा और जनरेशन में क्या होता है कि जनरेशन यूजली हमेशा और अमूमन ज़्यादातर फुल कैपेसिटी में रहता है तो वहाँ वेरिएशन नहीं है लोड का भी ऐसा वेरिएशन नहीं है और इनपुट सप्लाई भी कंसिस्टेंट है तो ये देखा गया है कि जनरेशन ट्रांसफार्मर की जो इफ़िशेंसी uh, है वो मोर देन नाइन्टी रहती है यानी कि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात करें और उसकी तुलना uh, uh, इस ट्रांसफार्मर से कहें और खास करके विशेष तौर से पावर ट्रांसफार्मर से तो हम ये पाते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर इज़ अमॉन्ग द हाइस्ट इफ़िशेंट इलेक्ट्रिकल मशीन्स यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड सो अंततः मैं यही कहूँगा कि ट्रांसफॉर्मर एक, एक सी सिस्टम में एक आज की डेट में इंडिस्पेंसिबल डिवाइस बन गया है और हमको उसे समझना बहुत ज़रूरी है और अगर हम प्रकार की बात करें तो अनगिनत प्रकार हैं यानी अनगिनत का मतलब मेरा है कि अमूमन 40 से ज़्यादा तरीके के ट्रांसफार्मर बुक्स में पाए जाते हैं लेकिन इस कोर्स में हमको बेसिकली कोर टाइप ट्रांसफार्मर है उसको विशेष तौर पे समझना है थ्री फेज ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन को समझना है और जहाँ भी अल्टरनेटिंग सर्किट होंगे चाहे वो थ्री फेज सप्लाई हो सिंगल फेज सप्लाई हो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल होगा और उसमें हमको उसकी क्या इफ़िशेंसी है उसके क्या वोल्टेज रेगुलेशन है जो अभी फार्मूला हमने डिस्कस किए थे उनको समझते हुए उनको एवेल्युएट करना है और यही हमको एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से इस विधा को समझने में मदद करता है धन्यवाद थैंक यू